नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में बुधवार देर रात आखिरकार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि यह अकेला मामला नहीं है जब किसी बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया हो। ऐसे कई मामले हैं जिसमें हुई गिरफ्तारियों ने राष्ट्रीय राजनीति में तहलका मचा दिया। आज हम उन्हीं गिरफ्तारियों में से कुछ बड़ी गिरफ्तारियों के बारे में आपको बता रहे हैं जिसने हमेशा हमेशा के लिए राजनीति को ही बदल दिया है। सबसे पहले साल 2001 के जुलाई महीने की बात करेंगे जब डीएमके प्रमुख करुणानिधि को उनके आवास से करीब रात 2 बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेन्नई में हुए पुल निर्माण मामले में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। इसको लेकर पूरे तमिलनाडु में हंगामा मच गया और देश की राजनीति में भी हलचल मच गई थी। ठीक इसी तरह आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले में दोषी पाया और उसके बाद उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई और साथ ही साथ उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस खबर को आते ही देश में हंगामा मच गया और पूरे देश में राजनीतिक चर्चा बड़े स्तरों पर होने लगी। यहाँ पर एक और बात बता दें कि लालू यादव समेत इस केस में 50 लोगों ने चारा खरीदने के लिए नकली बिल और बाउचर इस्तेमाल कर बिहार सरकार को 37 करोड़ रुपए का चूना लगाया था और इसी केस में अदालत द्वारा लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई थी। इसी तरह बीजेपी के पहले दलित अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण बने और एक स्टिंग में घूस लेते पकड़े गए। इस स्टिंग को तहलका मैगजीन ने किया था और इस केस को भी तहलका स्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसी मामले में दोषी पाए जाने के बाद साल 2012 में दिल्ली की सीबीआई अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ देश के राजनीतिक हलकों में तहलका मच गया। देश भर में एक बड़ी चर्चा होने लगी। इसी तरह यूपीए 2 को एक दूसरे उपनाम से भी जाना जाता है और वो है भ्रष्टाचारी सरकार। इस काल में दूरसंचार मंत्री रहे ए राजा को 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में फरवरी 2011 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद देश में तहलका मच गया और चारों तरफ मनमोहन सरकार की किरकिरी हो गई और विपक्ष सरकार से इस्तीफा मांगने लगा था। ये भी बहुत पुराना मामला था। और इस तरह एक और बड़ा मामला आया, इसे भी देश ने देखा। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में दूरसंचार मंत्री रहे सुखराम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सीबीआई ने 1996 में सुखराम के औपचारिक निवास से बैग और सूटकेस में करीब 3.5 करोड़ रुपए की छिपी हुई नकदी रकम बरामद की। 2002 में दिल्ली कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2011 को इस फैसले को कायम रखे और सुखराम को 5 साल की जेल की सजा सुनाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदुरप्पा, जो अभी कांग्रेस की सरकार गिराकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, यही येदुरप्पा सरकारी भूमि घोटाले में फंस गए और जेल जाना पड़ा और येदुरप्पा को 15 अक्टूबर 2011 को गिरफ्तार किया गया था। विशेष लोकायुक्त अदालत ने उन्हें सरकारी भूमि को दर्शाने में कथित अनियमितताओं में आरोपी पाया। सीने में दर्द के कारण उन्हें 16 अक्टूबर को अस्पताल भेजा गया। इसके बाद वह 17 तारीख को जेल वापस आ गए और उन्हें उसी शाम दोबारा दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 दिन जेल में बिताने के बाद येदुरप्पा 8 नवंबर 2011 को रिहा हो गए। 25 अप्रैल 2011 में कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोप में सीबीआई ने सुरेश कलमाड़ी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कलमाड़ी देश की सबसे बड़ी जेल में भी गए। कलमाड़ी को खेल से संबंधित पुरस्कारों में धोखाधड़ी, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के जेल में 9 महीने बिताने के बाद कलमाड़ी को 2012 की शुरुआत में तिहाड़ भेजा गया था। राज्यसभा सांसद और पूर्व समाजवादी नेता अमर सिंह को 6 सितंबर 2011 को नोट फॉर वोट मामले में 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अमर सिंह समेत अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद अमर सिंह को 30,000 कोर्ट ने आंतरिक राहत देते हुए 19 सितंबर तक के लिए जमानत बढ़ा दी थी। इसके साथ ही देश के और भी नामी ग्रामी केस हैं जिसे यहाँ बताया जा सकता है, लेकिन ये फहरिस्त और लंबी हो सकती है। ये उन बड़े नेताओं में से कुछ केस छांट कर हम आपके पास लाए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
ये है क्या? सर आगे हटो। बाइक तो नहीं होगी। आगे से हटो। आगे से हटो। पुलिस वाले आगे से हटो। और ना आगे।